हेलो एवरीवन, दिस इज व्रज शाह, लॉ एंड जस्टिस। आज हम जिस लीगल ल्यूमिनरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्हें द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जाना जाता है, द लेट एंड लीजेंड जस्टिस पी एन भगवती जी, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती जी। हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत के 17वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रहकर उन्होंने कार्य किया है, द 17th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतना ही नहीं, ईयर 1967 और 1973 में गुजरात के तत्कालीन गवर्नर के रूप में भी जस्टिस पी एन भगवती जी ने कार्य किया हुआ है। साल 2007 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया, विच इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अवर नेशन। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति विशेष न्यायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट न्यायिक कार्य कर रहा हो, द बेस्ट जुडिशियल वर्क कर रहा हो, तो उसे जस्टिस पी एन भगवती अवार्ड से नवाजा जाता है। पिछले साल 2019 में दी जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल मैम को जस्टिस पी एन भगवती अवार्ड से नवाजा गया। 8 फरवरी 2019, ये दिन हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन जस्टिस पी एन भगवती जी के जुडिशियल करियर पर, उनके दिए गए लैंडमार्क जजमेंट पर लिखी गई बुक को हमारे राष्ट्र के 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे श्री रंजन गोगोई ने लॉन्च किया। बुक का टाइटल है लॉ जस्टिस जुडिशियल पावर जस्टिस पी एन भगवतीज अप्रोच। इस बुक की फर्स्ट कॉपी को हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने रिसीव किया। इस बुक को प्रोफेसर मूलचंद शर्मा ने लिखा है, ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड लॉ प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस बुक में 24 एसेज दिए गए हैं जो जस्टिस पी एन भगवती जी के जुडिशियल करियर, उनकी जुडिशियल लाइफ और उनके द्वारा दिए गए लैंडमार्क जजमेंट्स से हमें डायरेक्टली कनेक्ट करता है। ये बुक हम सबको पढ़नी चाहिए। इस मौके पर जस्टिस रंजन गोगोई जी जस्टिस पी एन भगवती जी को लेकर काफ़ी सारी बातें कही, जैसे कि जस्टिस भगवती वॉज अ लीगल क्राफ्ट्स मैन, ही वॉज हार्बिंजर ऑफ द एनवायरमेंट जुरिसप्रूडेंस, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जस्टिस एंड फ्रेंड ऑफ दोज सीकिंग जस्टिस। यार 1995 टू 2009, इतने लंबे वक्त तक जस्टिस पी एन भगवती जी यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमिटी के मेंबर रहकर कार्य करते रहे। साल 2002-2003 में वह यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमिटी के चेयरमैन के पद पर भी रहे। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस वर्ड के साथ हम सब लोग कनेक्टेड हैं, हम सब लोग इस वर्ड से वाकिफ हैं। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म के प्रणीता के रूप में भी जस्टिस पी एन भगवती जी को जाना जाता है। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुसैन आरा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार के केस से हुई थी। इस केस को फैसला सुनाने वाली जजिस की खंडपीठ को लीड कर रहे थे जस्टिस पी एन भगवती जी। दिसंबर 1979, ये वो वक्त था जब बिहार की जेल में बंद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की कंडीशन कैसी है, उनकी हालत कैसी है, इस बात पर भारत की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका की खास बात यह थी कि ये याचिका कोई एक कैदी की तरफ से दाखिल नहीं की गई थी, इस याचिका को कई सारे कैदियों ने मिलकर दाखिल की गई थी। इस याचिका की पैरवी कर रहे थे द लेट पुष्पा कपिला हिंगरानी मैम, ये नाम हम सबके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ये वो है जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रिवॉल्यूशन लाए और ये भारत की सर्वोच्च अदालत में सीनियर लॉयर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
द लेट पुष्पा कपिल हिंगुरानी मैम, जिन्होंने इस केस की पैरवी की, बाद में उन्हें द मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जाना गया। अंडर ट्रायल प्रिजनर, यानी ऐसा कैदी जिनके मामले कोर्ट में लंबित हो या पेंडिंग हो। इस केस में कई ऐसे कैदी थे जिसके मामलों में ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ था, या कई कैदी ऐसे थे कि जिनके अपराध के साबित होने पर मिलने वाली सजा से भी ज्यादा लंबे वक्त से वह जेल में बंद थे। इस केस में कोर्ट ने 40,000 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया और साथ ही राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल के प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी अगर व्यापक रूप में किसी व्यक्ति के समूह के हमारे संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा हो, फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा हो, तो वह कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं। आमतौर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दाखिल किया जाता है। जनहित याचिका के लिए आज के वक्त में कई सारी गाइडलाइंस भी अवेलेबल है। जस्टिस पी एन भगवती जी ही थे कि जिन्होंने पोस्ट का रेवोल्यूशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्रिएट किया। मतलब अगर कोई व्यक्ति के समूह के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा हो, तो वह कोर्ट को पोस्ट कार्ड, लेटर या पत्र लिखकर भी अपनी बात बता सकते हैं, बशर्ते वह बात या वह मामला जनहित से जुड़ा होना चाहिए। कोर्ट उस लेटर, उस पोस्ट कार्ड या उस पत्र को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में स्वीकार कर सकता है। एक वक्त वो भी था जब कोर्ट में सिर्फ अग्राइव पर्सन यानी पीड़ित व्यक्ति ही अपनी बात को रख सकते थे, लेकिन आज के वक्त में रूल ऑफ लोकस टेंडी यानी कि सुने जाने के अधिकार के नियमों में काफी सारी छूट दी गई। इसी के साथ आम आदमी भी जन समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर अदालत में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मामले जनहित से जुड़े होने चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जनहित याचिका किसी फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए या किसी बुक की पब्लिश को बैन करने के लिए नहीं है। जनहित याचिका लोगों के हित के लिए है। साल 2016 में सबरीमाला मंदिर के केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एन वी रामना की बेंच ने जनहित याचिका पर एक बात कही कि अगर जनहित याचिका को एक बार दाखिल किया जाता है और उसकी सुनवाई हो जाती है, तो बाद में उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, मतलब राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, उनके लीगल एड मोमेंट, कानूनी सहाय के अभियान में जस्टिस पी एन भगवती जी ने अहम भूमिका अदा की। इतना ही नहीं, कई लैंडमार्क जजमेंट्स में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एस बी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, एम सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो ओलियम गैस लीकेज केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल यानी पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को स्थापित किया गया। इस सारे केस की साइटेशंस को डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं और इस केस के साइटेशन के आधार पर इस केस को पढ़ भी सकते हैं। 15 जून 2017, ये वो दिन था जब जस्टिस पी एन भगवती जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ही वॉज अ स्टालवर्ट ऑफ इंडियाज लीगल फ्रैटर्निटी। न्यायिक क्षेत्र में उनके असाधारण सहयोग की वजह से लाखों लोगों को अपनी बात रखने के लिए आवाज मिली। हमारे राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक न्यायिक व्यवस्था सुलभ हुई। तो ऐसे थे हमारे जस्टिस पी एन भगवती जी, उनको हम सब की तरफ से कोटि कोटि नमन। आज की इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू सो मच।